नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवकर और आप देख रहे हैं मेरा जीएसटीवी यूट्यूब चैनल। हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि आदित्य ठाकरे उस पार्टी में थे, किसने बोला, क्या सबूत है क्या नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन प्लीज आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, स्टार्टिंग में मैं रिहर्सल करके आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परसों 21 अक्टूबर को मेरा शो है, इंडियन नेवी का ये शो है जिसमें न्यू कमर म्यूजिक और डांस का ये शो है, जिसमें न्यू कमर आर्टिस्ट अपना आर्ट परफॉर्म करेंगे इन फ्रंट ऑफ द इंडियन नेवी के ऑफिसर्स और इंडियन नेवी के बहुत सारे सोल्जर्स हो या फिर जो भी उनके गैजेट्स होते हैं, सेकंड उनके जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन सबके सामने, इंडियन नेवी के जवानों के सामने उनके लिए दिवाली मेला फंक्शन है, ये मुंबई में है इंडियन नेवी ऑफिसर्स के लिए। तो आप सब लोग परसों इस इवेंट्स को ऑनलाइन लाइव ज्वाइन करिए और जो लोग न्यू कमर आर्टिस्ट जो मेरे साथ हैं, डांसर्स और सिंगर्स और बहुत सारे मैजिशियंस भी हैं और कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, एंकर वगैरह है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उसमें सुशांत के भी कुछ सॉन्ग है, अगर आप उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर चैट ऑन रहेगा और गूगल पे नंबर मेरा जो है वो यहाँ पे भी डिस्प्ले है, वहां पे भी रहेगा, ऑनलाइन आप कभी भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू सपोर्ट, अदरवाइज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट शो, आप एंजॉय करिए जिसमें सुशांत के कुछ सॉन्ग होंगे, बाकी म्यूजिक और डांस का इवेंट है ये, प्लीज एंजॉय करिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने न्यूज में और बाकी लोगों को भी बताइए इस इवेंट के बारे में। सो आगे मैं ये सोचता हूँ कि शायद ऐसे इवेंट में और करूं ताकि उस इवेंट में न्यू कमर को टैलेंट मिले और वहां से जो फंड कलेक्ट हो लाइव शो का ऑनलाइन से वो आर्टिस्ट को दे और लाइव शो के जो टिकट्स वगैरह ऐसा हो, अगर जाके अगर ये सक्सेसफुल हुआ आप लोगों ने किया तो उससे एनजीओ के कुछ बच्चों का या एनजीओ के कुछ लेडीज का या कुछ ऐसा कुछ हम अच्छा काम भी कर सके, ताकि दोनों चीजें हो, आर्टिस्ट का भी पेट पले और उससे कुछ समाज सेवा ही हो। चलिए आगे बढ़ता हूं इस वीडियो में जो आप इस खबर को देखना चाहते हैं। यस, आदित्य ठाकरे, एक राहुल शेवाले करके एक एमपी है, उन्होंने बोला है आदित्य ठाकरे के बारे में, अब ये कौन सी पार्टी है कि उसमें अवेलेबल थे आदित्य ठाकरे। यस, अवेलेबल थे आदित्य ठाकरे, क्योंकि आदित्य ठाकरे के बारे में ये बोला जाता है कि उनको पार्टियों का बहुत शौक है, पार्टियां बहुत करते हैं और ये कौन सी पार्टी थी। लेकिन ये पार्टी, मुझे लगता है इस पार्टी में आदित्य ठाकरे का जाना कितना जरूरी था कितना नहीं, ये तो न्यूज मीडिया की तरफ से जो आया है वो मैं बताऊंगा ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेक्स्ट टाइम जो बीएमसी इलेक्शन होने वाले या कोई भी इलेक्शन होने वाले है, इसमें ये बात पता कर सके कि नेता किस टाइप के होते हैं, अच्छे है या बुरे है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। चलो मैं कौन सी पार्टी की बात कर रहा हूं ये आपको जरूर बता देता हूं। एक राहुल शेवाले, उन्होंने क्लेम किया है कि जब उद्धव ठाकरे एडमिट थे हॉस्पिटल में, उद्धव ठाकरे एक्स सीएम ही नहीं, आदित्य ठाकरे के पिता भी हैं और वो एक्स सीएम जब चीफ मिनिस्टर थे, ये बात मई 22 2022 की है, जब ये उद्धव ठाकरे एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, तब आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड गए थे, एक पार्टी अटेंड कर रहे थे और जब उसके बारे में राहुल शेवाले ने मीडिया को बताया और मीडिया में बातें हुई, तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने एनवायरमेंट के, मतलब वो पर्यावरण मंत्री थे उस टाइम, तो मैं उसके कारण से वहां गया था। लेकिन उसके बाद इन्होंने वापस से क्लेम किया कि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं था, इंडस्ट्री से रिलेटेड था। यहाँ ये मेंशन नहीं किया गया कि इंडस्ट्री कौन सी है, फिल्म इंडस्ट्री है या कुछ और इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से रिलेटेड किया था, उसमें सोने पे सुहागा उन्होंने ये भी बोल दिया राहुल शेवाले ने कि इसमें वो किसी लेडी फीमेल एमपी को भी साथ में लेके गए थे। अब ये चीजें बोली जा रही है, पार्टी 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 बहुत सारा नाम होता है, हमें ये भी पता है कि मीडिया में बहुत सारी चीजें बातें हुई थी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हुई थी कि 13 जून को पार्टी हुई है और 13 जून को जिस पार्टी में ये सारे लोग थे, कौन कौन थे क्या थे, ये इस बारे में उस पार्टी के कुछ फोटोज या फिर ये ऐसा अब तक सामने नहीं आया। लेकिन जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि सीसीटीवी फुटेज, और रिपब्लिक पे भी ये बताया गया है कि सीसीटीवी फुटेज के कंपनी के मालिक ने बोला कि सीसीटीवी फुटेज उस टाइम चालू था, और उसके बाद मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज के बारे में क्लियर कट बताया कि सीसीटीवी फुटेज क्लाउड में सेव होता है, तो कौन गया वहां पे कौन नहीं आया, आना जाना जो भी हुआ वो पता
चल जाएगा और पता चल गया होगा सीबीआई को, 101% गारंटी है, लिख के ले लो। लेकिन अब उसके बाद सीबीआई क्या करती है क्या नहीं ये देखेंगे, सबको पता चल ही जाएगा एक दिन। अब यहाँ पे बातें ये होती है कि जब उद्धव सरकार जब पार्टी में नहीं रही, तब ये जो अभी फिलहाल दशहरे का जो मेला हुआ था, इसमें उद्धव सरकार ने और एकनाथ शिंदे ने एक के ऊपर बहुत सारे आरोप वगैरह प्रत्यारोप वगैरह लगाए थे। इसमें ये भी एक क्लेम है, और हर कोई नेता मुंह उठा के आता है, वो शिवसेना का हो, उद्धव सरकार की शिवसेना का हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना का हो, कोई भी एमपी आ जाता है, मुंह उठा के और बोलता है कैसा इसने क्या, ऐसा इसने क्या, ये भी बोलता है ऐसा इसने क्या ऐसा क्या, साबित कुछ भी नहीं होता। एनजीसी किसी को भी सजा नहीं देती, बस मुंह उठा के बोलते रहते हैं एक दूसरे को, मीडिया में थोड़ी सी हवाबाजी ले लेते हैं, मीडिया में थोड़ा नाम कमा लेते हैं, मीडिया में थोड़ा उस एमपी का नाम हो जाता है। और वो किस लिए होता है पता है, जैसे कि मैं बताऊं, मैं कोरियोग्राफर हूं, तो मेरे नीचे का डांसर मेरी तारीफ करता है कहीं और जाके, तो मुझे पता चलता है कहीं से अच्छा ये डांसर मेरा अच्छा है, ये एक मानव अभिमान होता है कि अच्छा मेरा आदमी मेरी तारीफ कर रहा है, ओके। तो ये जो चीफ मिनिस्टर है वो भी तो ईगो के मारा हुआ होता है, तो भी तो इंसानी है, तो उसको भी लगता है अच्छा मेरे एमपी ने ऐसा बोला, अरे बाप रे अच्छा है, तो वो उसको सिफारिश के लिए थोड़ा काम आता है, क्योंकि चापलूसी ही बोलूंगा एक तरह से देखा जाए तो चापलूसी सामने की जाती है और उसके अभिमान को थोड़ा और बढ़ाया जाता है पीछे से, ताकि उसके दुश्मन को आप बुरा बोलोगे तो मेरे मालिक के दुश्मन को अगर मैं बुरा बोलूंगा तो मालिक ऑफकोर्स खुश होगा। तो ये भी पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है किसी की निंदा करना, काम करके दिखाओ तो माने। कि जैसे किसी सीएम ने बोला कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और उस एमपी ने उस काम को सीएम बोले ना बोले, लेकिन उस काम को सीएम ने फ्रंट ऑफ द मीडिया बोला, फ्रंट ऑफ द पब्लिक बोला, उस नेता ने करके दिखाया, उस एमएलए ने करके दिखाया, तो बात बने। लेकिन काम नहीं करते, निंदा करते हैं, भूलकर बेकार की बातें करते हैं, के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। यह बात तो नारायण राणे पे भी लागू होती है, कि नारायण राणे जब इतने दिन से बोल रहे हैं तो सबूत कहाँ है, सबूत दो ना मीडिया के सामने या फिर पब्लिक के सामने। बोलने से तो यही साबित होता है कि आपको कुर्सी चाहिए थी, आपने अपना गुस्सा निकाला, आपने बोला और आपने कुर्सी हत्या लिया, और अभी आपको वापिस से दुश्मनी निकालने कर लो। अगर आपको सुशांत को इंसाफ देना था तो आपको सीबीआई के पास जाना चाहिए, और जो सीबीआई को बोला वो चीजें मीडिया में आके बोलनी चाहिए कि मैंने दिए सीबीआई को। और मैं मानता हूं वो इन्वेस्टिगेशन आप सोशल मीडिया पे मत डालो, इफेक्ट पड़ सकता है ऑफकोर्स, तो सीबीआई को दे और बोलो कि मैंने सीबीआई को दिए। अब सीबीआई का काम है ये करना, और फिर अगर आपको लगता है कि सीबीआई नहीं करेगी काम, तो फिर आप प्रोटेस्ट करो, आप बड़े नेता हो, आप खड़े हो जाओगे, लाखों की भीड़ आ जाएगी वहां पे, और चाहिए हो जाएगा इंसाफ यू मिल जाएगा। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। रही बात ये कि स्विट्जरलैंड में जब उद्धव ठाकरे हॉस्पिटल में थे, एक आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड में थे, अब वो पार्टी कर रहे थे नहीं कर रहे थे क्या था, ये ANI ने भी बोला था कि हाँ पार्टी कर रहे थे, लेकिन अब वो सच है झूठ है क्या है क्या नहीं है ये आप समझदार है, आपको समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी एविडेंस अभी तक तो मैंने सोशल मीडिया पे तो नहीं देखा। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, हमेशा इस इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और 21 अक्टूबर को मेरा लाइव इवेंट जरूर ज्वाइन करिए।